इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो है दैट इज सोशल बिहेवियर। सोशल बिहेवियर में यह है कि विद इन आ स्पीशीज, विद इन आ पॉपुलेशन कैसी इंटरेक्शंस होती हैं एनिमल्स की आपस में, और फिर आउटसाइड दैट पॉपुलेशन यानी दूसरे डिफरेंट स्पीशीज के साथ उनके कैसे ताल्लुक हो सकते हैं। सोशल बिहेवियर टिपिकली रेफर्स टू एन इंटरेक्शन अमंग द मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशीज, बट इट ऑल्सो अप्लाइज टू द एनिमल्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज एक्सक्लूडिंग द प्रीडेटर प्रे इंटरेक्शंस। सबसे पहले हम देखेंगे कि लिविंग इन ग्रुप्स यानी बेसिकली ज़ाहरी बात है कि कोई जो एनिमल्स इकट्ठे रहेंगे किसी ग्रुप की फॉर्म में रहेंगे तभी उनके अंदर सोशल बिहेवियर जो है वो पैदा होगा, उनकी इंटरेक्शंस डेवलप होंगी। एनिमल पॉपुलेशंस आर ऑफन ऑर्गेनाइज्ड इन ग्रुप्स। अ ग्रुप ऑफ एनिमल में फॉर्म एन एग्रीगेशन फॉर सम सिंपल पर्पज सच एज फीडिंग, ड्रिंकिंग और मेटिंग। यानी कुछ तो हैं जो टेम्प्रेरी एग्रीगेशन या जत्थे बना लेते हैं जो कि उनकी फीडिंग या ड्रिंकिंग या मेटिंग से मुतालिक हो सकते हैं। इससे हट के भी बहुत सारे सोशल ग्रुप्स होते हैं। यानी बेसिकली आप कह सकते हैं कि जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है ग्रुपिंग की एनिमल्स के अंदर वो उनके इन सिंपल पर्पजेज के लिए हो सकती है कि मिलकर फीडिंग करें, एक दूसरे को डिफेंड भी करें, वो दूसरे प्रीडेटर से ड्रिंकिंग या मेटिंग की एक्टिविटीज जो है वो हर्ड्स के अंदर ज़्यादा प्रेफर करते हैं। सेवरल ड्रोसोफिला फ्लाइज ऑन अ पीस ऑफ रॉटिंग फ्रूट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एग्रीगेशन। यानी जैसे आप एग्जाम्पल ले लें कि एक जो है वो फ्रूट लाइक एप्पल के ऊपर आप देख लें कि ड्रोसोफिला का एक ग्रुप आकर इकट्ठा हो जाता है उसको खाने के लिए, तो एक सिंपल एग्रीगेशन है। अ ट्रू एनिमल सोसाइटी इज द स्टेबल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज दैट मेंटेन्स अ कोऑपरेटिव सोशल रिलेशनशिप। यानी इससे कहीं आगे हटकर एग्रीगेशन से आगे चलकर भी बहुत से ऐसे स्ट्रांग रिलेशनशिप्स होते हैं जिनमें बेसिकली एनिमल की जो डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं उसी पॉपुलेशन के अंदर वो कॉपरेशन करती हैं आपस में, उनमें स्पीशीज के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर हो जाती है, काम बट जाते हैं, एक दूसरे के बगैर उनका सर्वाइवल फिर इतना आसान नहीं होता। दिस एसोसिएशन टिपिकली एक्सटेंड्स बियॉन्ड द लेवल ऑफ मेटिंग एंड टेकिंग केयर ऑफ यंग। सोशल बिहेवियर हैज़ इवॉल्व्ड इंडिपेंडेंटली इन मैनी स्पीशीज ऑफ एनिमल्स। इनवर्टिब्रेट्स एज वेल एज वर्टिब्रेट्स हैव कॉम्प्लेक्स सोशल ऑर्गेनाइजेशंस। One major benefit of belonging to a group may be that it offers protection against the predators. यानी जब मिलजुल कर जानवर रहेंगे एक population के members, तो सबसे पहला उनके पास defensive mechanism उनका बहुत sharp हो जाएगा, बहुत वो मजबूत हो जाएंगे क्योंकि वो मिलकर एक predator के खिलाफ act कर सकते हैं। There is safety in number and predator detection by may be enhanced by having several group members on alert to warn against the intruder. अब suppose के जैसे deer हैं एक वाइल्ड एनवायरनमेंट के अंदर और बहुत सारे डियर मिलजुल कर एक ग्रुप के फॉर्म में रह रहे हैं, तो उनमें से कुछ को ये जिम्मेदारी मिल जाती है कि वो प्रीडेटर की डिटेक्शन करें, प्रीडेटर को आता हुआ देखें तो फौरन वार्निंग सिग्नल्स दें ताकि पूरी पॉपुलेशन अलर्ट हो जाए और इस तरह से वो भाग खड़े हों या अपना डिफेंस कर सकें। तो इस तरह बेसिकली पॉपुलेशन में से जो डिविजन ऑफ लेबर है वो बहुत आसान कर देती है बहुत सी चीज़ों को। तो इसमें प्रीडेटर के अगेंस्ट उसकी डिटेक्शन करना और उसके अगेंस्ट वार्न करना जो है वो पूरी पॉपुलेशन के लिए एक फ़ायदेमंद चीज़ हो जाती है। तो प्रीडेटर के लेवल के ऊपर ये चीज़ फ़ायदेमंद होती है, जब प्रीडेटर एक ग्रुप की शक्ल में आते हैं तो उनके लिए भी फ़ायदेमंद यही चीज़ होती है। ऑल्सो कोऑपरेटिव हंटिंग एंड कैप्चर ऑफ प्रे इंक्रीजेस द फीडिंग एफिशिएंसी ऑफ प्रीडेटर्स। यानी प्रीडेटर फर्ज करें कि लायंस हैं, लायंस का एक जब ग्रुप हमला करता है किसी पॉपुलेशन के ऊपर या ग्रुप्स के ऊपर तो वो ज़्यादा इफेक्टिवली किसी न किसी चीज़ को ज़रूर वो शिकार कर लेते हैं और उनके हाथ आ जाता है शिकार जब वो ग्रुप्स की फॉर्म में आते हैं। लिविंग इन सोशल ग्रुप्स इज ऑल्सो एडवांटेजेस इन सम इंस्टांसेस ड्यू टू द एबिलिटी टू गेन प्रोटेक्शन फ्रॉम द एलिमेंट्स। लाइक हमारे पास एनवायरमेंट के अंदर कोई हार्शनेस है जैसे बहुत ज़्यादा सर्दी है, बहुत ज़्यादा ऐसा एनवायरमेंट है जिसमें वो अकेला एनिमल सर्वाइव नहीं कर सकता, लेकिन ग्रुप की फॉर्म में वो ज़्यादा कामयाब हो जाते हैं हर्डलिंग टुगेदर इन अ कोल्ड वेदर। जैसे सर्दी के दौरान में मुख्तलिफ एनिमल्स एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं और सर्दी के असर को कम कर लेते हैं। एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मेट फाइंडिंग एंड रियरिंग ऑफ यंग। इसी तरह से मेटिंग पार्टनर्स को ढूंढना आसान हो जाता है जब वो एक ग्रुप की शक्ल में होते हैं, या फिर मुख्तलिफ जो यंग हैं उनके किड्स हैं उनको पालना ज़्यादा आसान हो जाता है जब ग्रुप के फॉर्म में है। इन मैनी स्पीशीज मोस्ट नोटेबली द सोशल इंसेक्ट्स लिविंग इन ग्रुप्स हैज रिजल्टेड इन द एवोल्यूशनरी डिवीजन ऑफ लेबर विद स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स परफॉर्मिंग स्पेशलाइज टास्क। तो इसमें हाईएस्ट जो रैंकिंग है वो सोशल बिहेवियर में वो ऐसे एनिमल्स की है जो कि आपस में डिवीजन ऑफ लेबर कर लेते हैं, आपस में काम बांट लिए उन्होंने, फॉर एग्जाम्पल डिफेंस, फूड प्रोक्योरमेंट, फीडिंग ऑफ यंग एक्सेट्रा। इसमें हनी बीज की एग्जाम्पल आमतौर पर ली जा सकती है कि जैसे उसमें क्वीन है उसका काम है एगलिंग, इसके अलावा उसके सोल्जर्स हैं जो कि मुख्तलिफ नेक्टर फीडिंग के प्रोसेसेस करते हैं, फिर उसके अंदर जो डिप्लॉयड फीमेल्स होती हैं उनका काम होता है कि यंग वंस जो कि पैदा हो रहे हैं उनकी रेयरिंग करना, उनको फीडिंग कराना। अ डिसएडवांटेज ऑफ ग्रुप लिविंग इन मे बी कॉम्पिटिशन फॉर रिसोर्सेज। तो सबसे बड़ा नुकसान जो है ग्रुप में रहने का वो ये है कि क्योंकि बड़ी पॉपुलेशन एक ग्रुप के अंदर रह रही है उनको फूड रिसोर्सेज की डिप्लीशन हो सकती है, उसके लिए कॉम्पिटिशन अराइज कर सकते हैं वो।
Other disadvantages include the disease and parasites that may spread more rapidly in group living animals and interferences between the individual with regards to reproduction and rearing of young. दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि जब एक ग्रुप में एनिमल्स रह रहे हैं इकट्ठे तो उनमें अगर फर्ज करें कोई डिजीज या कोई पैरासाइट्स का अटैक होता है तो वो पूरी पॉपुलेशन को अपने लपेट में लेगा और इसकी वजह से उनको एकदम जो है वो ड्रॉबैक इस चीज़ का हो सकता है कि पॉपुलेशन के मेंबर्स ख़त्म हो जाएंगे. सेकेंडली कि उनके अंदर जो रिप्रोडक्शन और रेयरिंग के हैं उनके इंटरफेरेंस आपस में बढ़ जाते हैं, यानी इंटरप्शन होती है उनके बीच में, उनके दरमियान कॉम्पिटिशन हो सकता है इस चीज़ के लिए. द वैल्यू ऑफ ग्रुप लिविंग डिपेंड्स ऑन द स्पीशीज एंड बिहेवियर्स इन्वॉल्व. तो ये सारी चीज़ें जो कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की कैटेगरीज हैं, डिपेंड करता है कि वो किस हद तक आपस में इन्वॉल्व है स्पीशीज और किस तरह के बिहेवियर्स वो आपस में बांटे हुए उन्होंने. सोशल बिहेवियर की ही एक कैटेगरी है, दैट इज कॉल्ड एगोनिस्टिक बिहेवियर, टेरिटरीज एंड डोमिनेंस हायरार्कीज. एगोनिस्टिक कहते हैं अग्रेसिव बिहेवियर को, जब एक खास तौर पर कोई डोमिनेंट मेल मेंबर जो साइज में बड़ा हो, एज में बड़ा हो, उसकी ताकत ज़्यादा हो, सबसे पावरफुल हो, सबसे उसके लिहाज से उसका जो बिहेवियर है वो डिटर्मिन करता है बेसिकली कि कैसे वो टेरिटरीज को डिफेंड करेगा, कैसे वो हायरार्की सेटल करेगा. यानी एक ग्रुप ऑफ एनिमल अगर कहीं पे एग्जिस्ट करता है तो सबसे पहली बात तो ये कि अगर उसमें चार पांच मेल्स एग्जिस्ट करते हैं उस एक ग्रुप के अंदर, तो सबसे बड़ा पावरफुल मेल एक तो उसको लीड करेगा, उसका बिहेवियर एगोनिस्टिक होगा, अग्रेसिव होगा. एक तरफ तो ये हमें नेगेटिव बिहेवियर लगता है, लेकिन बेसिकली ये सारे सिस्टम को चलाने के लिए ज़रूरी है कि उसके अंदर अग्रेसिवनेस होनी चाहिए, क्योंकि उसी अग्रेसिवनेस की वजह से वो अपनी टेरिटरी, अपनी जो खास हदबंदी है एक हैबिटेट की वो करेगा. साथ ही साथ में उसके साथ जो ग्रुप पाया जाता है जिसमें दूसरे मेल्स हैं, फीमेल्स भी हैं, उसके साथ यंग्स भी हैं, उनमें हायरार्की सेटल हो जाएगी कि कौन डोमिनेंट है, कौन उससे रिसेसिव, फिर कौन रिसेसिव, इस तरह से एक हायरार्की डिटरमिन हो जाएगी. सोसाइटी ऑफ एनिमल्स यूजुअली हैज सम मेंटेनेंस ऑफ सोशल स्ट्रक्चर एंड स्पेसिंग ऑफ ग्रुप मेंबर्स. तो कोई भी सोसाइटी अगर आप एनिमल्स की लेते हैं उसमें आपको हमेशा ये लगेगा कि सोशल इंटरेक्शन इस तरह की है कि डोमिनेंस टू रिसेसिवनेस के या उसके सबमिशन के जो है वो रिलेशनशिप्स मौजूद हैं. Agonistic behavior in which one animal is aggressive or attacks other animals which responds by either returning the aggression or submitting is often responsible for these patterns. तो इसमें सबसे पहले जब भी कोई एक सोसाइटी बिल्डअप करती है, एनिमल का कोई भी एक ग्रुप की फॉर्मेशन होती है, तो कोई एक मेल मेंबर जो कि डोमिनेंट अपने आप को फील करता है, उसका एगोनिस्टिक बिहेवियर ही आखिरकार एक अल्टीमेट शेप दे देता है उस ग्रुप पॉपुलेशन को, विच आइदर दूसरे किसी भी एनिमल के साथ जब वो झगड़ा करता है, जब उसकी अग्रेसिवनेस जो है वो मजबूर करती है उसको कि वो दूसरों के साथ मुकाबला करे, अटैक करे, तो उसके नतीजे में जो दूसरा मेंबर होता है सामने वाला, वो या तो वापसी हमला करता है या फिर अपने आप को सबमिसिव शो कर देता है, सबमिट कर लेता है, तो इसके नतीजे में एक हायरार्की सेट हो जाती है. इन रेयर केसेस एगोनिस्टिक बिहेवियर इज लीथल बट यूजुअली एनिमल्स आर नॉट किल्ड और इवन सीवियरली इंजर्ड. यानी कभी कभार शाज़ो नादिर ऐसा है कि दूसरा कोई सामने वाला जो ओपोनेंट है उसको कोई नुकसान पहुंचे या वो मर जाए, बल्कि ये बेसिकली एक दूसरे के थ्रेट के लिए होते हैं, एक दूसरे को खौफजदा करने के लिए और ताकि मुकाबले से पता चल जाए कि कौन डोमिनेट करेगा. इन मैनी स्पीशीज मेल्स वेंट मच ऑफ देयर एग्रेशन इन द फॉर्म्स ऑफ थ्रेट डिस्प्लेज. यानी बेसिक उनका जो सबसे सिंपल एग्रेशन की जो एक्सप्रेशन है, एग्रेशन को जाहिर करने के लिए वो अपने आप को थ्रेट डिस्प्लेज, अपने आप को बड़ा, खौफनाक या डरावना जाहिर करने के लिए वो अपने डिस्प्लेज करते हैं. Displays typically involve signals that warn other males of an intention to defend an area or territory. मकसद क्या होता है इस threatening behavior का, threatening display का, कि वो basically अपने territory को और अपने साथ जो group दूसरे members मौजूद हैं उनको defend करना चाहते हैं. Although agonistic behavior may seem antisocial, it maintains the social order. यानी वैसे तो negative behavior show करती है, aggressiveness या गुस्सा कहीं भी होता है तो उसको antisocial लिया जाता है, लेकिन ये ज़रूरी है एक social hierarchy develop करने के लिए. It is especially important in the maintenance of territories and dominance hierarchies. A territorial animal uses agonistic behavior to defend a site or area against certain other individuals. यानी normally यही है कि group का जो dominant member है, जो male member है, वो aggressiveness show इसीलिए करेगा कि जो group उसके साथ मौजूद है, एक तो वो उनको डिफेंड कर रहा है, दूसरा जो साइट जहाँ पे वो जिस हैबिटेट में रह रहे हैं उसको उसने डिफेंड भी करना है, और दूसरे किसी मेल को अंदर नहीं आने देना. द साइट इज़ नोन एज द एनिमल्स टेरिटरी एंड कम्पीटिंग इंडिविजुअल्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम इट. तो जिनसे वो मुकाबला करता है बेसिकली उनको वो उस इलाके से बाहर रखना चाहता है. मैनी मेल बर्ड्स एंड मैमल्स ऑक्यूपाई अ ब्रीडिंग टेरिटरी फॉर पार्ट ऑफ द ईयर. बेसिकली ये टेरिटरी जिसको डिफेंस के मैकेनिज्म्स हैं, ये अमूमन ब्रीडिंग साइट्स में, ब्रीडिंग एरियाज में या ब्रीडिंग सीजन में नजर आते हैं, बेसिकली जब उनकी रिप्रोडक्शन का सीजन होता है. अ मेल एक्टिवली डिफेंस हिज एरिया अगेंस्ट अदर मेल्स सो दैट ही कैन अट्रैक्ट अ फीमेल एंड कोर्ट विद हर विदाउट एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम अदर मेल्स.
तो उसमें मकसद उसका ये है तो डोमिनेंट मेल का कि वो फीमेल का हर्ड जिसको साथ लेकर चलता है उनके साथ कोर्टशिप करे और दूसरे जो मेल्स हैं बाहर से आने वाले उनकी कोई इंटरफेरेंस उसके अंदर ना हो। इन एडिशन टू बीइंग अ लोकेशन फॉर अट्रैक्टिंग द मेट एंड रियरिंग द यंग टेरिटरीज मे कंटेन अ फूड सप्लाई और प्रोवाइड शेल्टर टू अवॉइड द प्रीडेटर्स एंड अनफेवरेबल क्लाइमेट। तो इसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ जो देखी जाती है को टेरिटरी डिफेंड करने में या उसको मेंटेन करने में वो एक मेल यही डिटरमिन करेगा कि सबसे पहले उसके अंदर सूटेबल एनवायरनमेंट हो, उसके साथ फूड के रिसोर्सेज प्लेंटीफुल अवेलेबल हो ताकि उसके अंदर फीमेल जो अट्रैक्ट होकर आए उसके साथ, प्लस उसके लिए जो यंग वंस आएंगे नेक्स्ट सीजन में उनके लिए रिसोर्स जो है वो डिप्लीट ना हो, क्लाइमेट भी उनके लिए फेवरेबल हो और प्रीडेटर से भी उनकी हिफाजत कर सके। In dominance hierarchies, a group of animals is organized so that some members of the group have greater access to resources such as food and mate and then do the others. फिर डोमिनेंस हायरार्की जिसको हम कह रहे हैं कि एक लाइन बन जाती है, एक लीनियर फैशन में अरेंज हो जाते हैं ऑर्गेनिज्म एक ही ग्रुप के। जैसे हमने कहा है कि डोमिनेंस में सबसे जो लीड करेगा ऑर्गेनिज्म दैट विल बी पावरफुल विद रिस्पेक्ट टू हिज एज एंड जो फिजिकल उसकी बिल्डअप होगी या बॉडी की मॉर्फोलॉजीज होंगी उसकी बेस पे एक तो डोमिनेट करेगा, फिर उसके बाद फर्दन फर्दन जो उसके अंदर सेटिंग हो जाएगी एनिमल जो उसके कम लेवल के होंगे वो इस तरह से दर्जा ब दर्जा उनको रखा जाएगा, देन फीमेल्स आएंगी और सबसे आखिर में यंग वंस जो हैं उनको प्लेस किया जाएगा। तो इसको हम डोमिनेंस हायरार्कीज कहते हैं। अब इसमें यह देखा जाता है बेसिकली कि जो ज़्यादा पावरफुल है, जो ज़्यादा साइज में बड़ा है या सिंपली हम कह सकते हैं जो ज़्यादा मेच्योर है उसको ज़्यादा एक्सेस दी जाती है सोर्सेज के लिए। दोज नियर द टॉप ऑफ द ऑर्डर हैव फर्स्ट चॉइस ऑफ रिसोर्स वेयर एज दोज नियर द बॉटम गो लास्ट एंड मे डू विदाउट इफ रिसोर्स आर शॉर्ट इन सप्लाई। तो इसमें आप एग्जाम्पल दी गई है कि जैसे आप चिकन की एग्जाम्पल है, चिकन के जो मुख्तलिफ देख सकते हैं हम कि एक ही पॉपुलेशन के अंदर या एक ही जो उनका बैच होता है उसके अंदर मुख्तलिफ साइज़ के चिकन आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। जिस अंडे में से पहले चूसा निकलेगा उसका साइज़ ऑब्वियसली बड़ा होगा, चाहे वो कुछ घंटों का डिफरेंस हो के उनकी डेवलपमेंट ही इस तरह से तेज़ होती है। तो पैकिंग ऑर्डर में हम देखते हैं कि एक ही ग्रुप के अंदर जो मुख्तलिफ चिकन्स हैं उनके साइज़ डिफरेंट है। अब जो सबसे बड़ा होगा पैकिंग ऑर्डर में उसको सबसे पहली डोमिनेंस हायरार्की दी जाएगी और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उससे छोटे कद वाले या उससे कमज़ोर वाले उनको प्लेस किया जाएगा। Those near the top of the order have first choice of resources, whereas those near the bottom go last and may do without if resources are in short supply. तो बड़े वाले जो हैं वो सबसे पहले ही हथियार लेंगे खुराक को और छोटे वाले उनको बाद में मिलेगी और ये भी हो सकता है कि उनको कुछ भी ना मिले जब फूड के रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटिंग हो। An example of dominance hierarchy is the pecking order of the chicken in a pen. पैन का मतलब है एक ग्रुप के अंदर जो पैकिंग ऑर्डर यानी उनका ऑर्डर ऑफ इम्पॉर्टेंस है उनको किस तरह से प्लेस किया जा सकता है। व्हेन चिकन्स आर प्लेस्ड टुगेदर दे फाइट अमंग देमसेल्व्स अंटिल अ लीनियर हायरार्की ऑफ डोमिनेंस इज एस्टैब्लिश्ड। यानी शुरू शुरू में जब वो इस दुनिया में आए हैं एक ग्रुप के फॉर्म में उन्होंने रहना शुरू किया है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो खुद ही आपस में लड़ झगड़ कर एक हायरार्की एस्टैब्लिश कर लेते हैं। हायर रैंक चिकन्स आर अमंग द फर्स्ट टू ईट एंड मे पैक द लोअर रैंक चिकन्स। तो उसमें बड़े वाले जो है वो पहले डोमिनेट कर लेते हैं और गलबा कर लेते हैं दूसरे चिकन पर जो कि लो रैंकिंग वाले कहला रहे हैं। वंस द हायरार्की इज सेट पीसफुल को एग्जिस्टेंस इज पॉसिबल। अल्टीमेटली ये होता है कि छोटे जो है वो हथियार डाल देते हैं और वो पीसफुल को एग्जिस्टेंस जो है इस्टेब्लिश हो जाता है जबकि पता चल जाता है कि मेल कौन सा डोमिनेट कर रहा है और कौन सा जो है वो उसमें सबमिसिव है। ओकेजनल फाइट्स विल अकर इफ अ बर्ड ट्राइज टू मूव अप इन द ऑर्डर। यानी कभी कभार बाद में ये हो सकता है कि दोबारा से किसी छोटे वाले को गुस्सा आए और दोबारा से फाइटिंग स्टार्ट हो जाए और वो ऊपर आने की कोशिश करे तो ये डिस्टर्ब हो सकती है हायरार्की, लेकिन अल्टीमेटली फिर सेटल हो जाएगी। डोमिनेंस हायरार्कीज एग्जिस्ट इन मैनी वर्टिब्रेट्स ग्रुप्स द मोस्ट कॉमन बींग इन द फॉर्म ऑफ लीनियर रिलेशनशिप्स ऑल्दो ट्रायंगुलर रिलेशनशिप में फॉर्म। तो नॉर्मली ऐसे ही होता है कि डोमिनेंस हायरार्की अमूमन जो वर्टिब्रेट्स ग्रुप में वो लीनियर फैशन में होती है। लीनियर का मतलब ये है कि एक लीडर है और उसके बाद दूसरे मेल मेंबर्स हैं, देन फीमेल्स हैं और देन उसके बाद आखिरी जो यंग वंस हैं जिनको रियर किया जा रहा है। तो ये एक लीनियर हायरार्की है। इसमें कुछ ट्राइंगुलर शेप्स भी बन सकती हैं। इन बेबून्स फॉर एग्जाम्पल द स्ट्रॉन्गेस्ट मेल इज यूजली हाईएस्ट इन रैंक ऑर्डर। यानी बेबून्स जैसे इनकी एग्जाम्पल ले ली जाए तो इसमें सबसे जो स्ट्रांग होगा वो तो ग्रुप को लीड कर रहा होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो एज में सबसे बड़ा हो। अब एक को हमने ग्रुप में बड़ा कह दिया है या ग्रुप में ताकतवर कह दिया और उसको लीडर मान लिया है। समटाइम्स ओल्डर मेल्स मे फॉर्म कोएलिशन टू सबड्यू द स्ट्रॉन्गर मेल एंड लीड द ट्रूप। तो उसमें यह है कि कभी कभार यह है कि स्ट्रेंथ की बेस के ऊपर नहीं बल्कि वो अपने आप को समझे कि सेकेंड कमांडर जान लेता है और अपने से बड़े वाले एज में एज वाइज जो बड़ा मेल है उसको अपने ग्रुप का लीडर बना लेता है और खुद सेकेंड नंबर पे आ जाए। तो इसमें एक ट्रायंगुलर शेप जो है वो कॉन्स्टिट्यूट की जा सकती है इस सोशल बिहेवियर के अंदर। एंड पे हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है दैट इज़ अल्ट्रुइज्म। अल्ट्रुइज्म से मुराद ये है बेसिकली कि
इसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म बजाय इसके कि वो अपनी रिप्रोडक्शन करे, अपने ऑफस्प्रिंग्स को जनरेट करे, वो अपनी सारी सर्विसेज जो है वो अपनी पॉपुलेशन को, अपने जो साथी हैं उनको दे देता है, ग्रुप में जो मौजूद हैं बाकी लोग उनके सर्वाइवल को ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल बनाकर उसके लिए समझें एक सेक्रीफाइस कर रहा है, एक कुर्बानी दे रहा है, बजाय इसके कि वो अपने लिए जो रिप्रोडक्टिव सारी कैपेसिटीज़ हैं वो अपने इस्तेमाल करे, वो अपनी दूसरे जो पार्टनर्स हैं या दूसरे ग्रुप के मेम्बर्स हैं उनके लिए ये सेक्रीफाइस कर देता है। एन अल्ट्रुइज्म, एन इंडिविजुअल गिव्स अप और सेक्रीफाइसेस सम ऑफ इट्स ओन रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल टू बेनिफिट अनदर इंडिविजुअल। फॉर एग्जाम्पल, वन इंडिविजुअल ऑफ अ ग्रुप ऑफ क्रो गिव्स एन अलार्म कॉल टू वार्न अदर इंडिविजुअल ऑफ द ग्रुप ऑफ एन अप्रोचिंग प्रीडेटर, इवन दो द कॉल मे अट्रैक्ट द प्रीडेटर टू द सेंडर ऑफ द सिग्नल। यानी एग्जाम्पल इसकी दी गई है कि आपके पास फर्ज करें कि क्रोज का एक ग्रुप है जो कि किसी भी दरख्तों के डिफरेंट लेवल्स के ऊपर डिफरेंट शाखों पे मौजूद है। अब उनमें से एक क्रो जो है वो जिम्मेदारी ले लेता है कि उसने अपनी पॉपुलेशन जो दूसरी मौजूद है उसको डिफेंड करना है, वो सबसे ऊंची शाख पे बैठ जाएगा और जब भी किसी प्रीडेटर को आते हुए देखेगा फौरन वो अपनी साउंड के थ्रू उनको अलर्ट कर देगा कि प्रीडेटर आ रहा है और उनको चौकन्ना कर देगा। अब बाकी पॉपुलेशन तो बच जाएगी, लेकिन हो सकता है कि प्रीडेटर जो है वो उसकी आवाज़ सुनकर उसके ऊपर हमला कर दे और वो क्रो जो है वो अपनी सेक्रीफाइस इस सूरत में दे देता है। तो अल्ट्रुइज्म की मिसाल बिल्कुल इसी तरह से है कि कोई भी एक ऑर्गेनिज्म बजाय इसके कि वो अपना रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल अपने लिए यूज़ करे, वो उसको अपने दूसरी पॉपुलेशन के जो पार्टनर्स हैं उनके लिए सेक्रीफाइस कर देता है। टू बी सक्सेसफुल इन अ बायोलॉजिकल सेंस, एन एनिमल मस्ट प्रोड्यूस एज मेनी यंग्स एज पॉसिबल, देयर बाय पासिंग इट्स जीन्स टू सक्सीडिंग जनरेशन। However, genes can be passed on by aiding the relative or its youngs because they probably share same genes. अब इसमें यह है कि बेसिकली तो एक ऑर्गेनिज्म को सबसे सक्सेसफुल तभी कहा जाता है जब उसके अंदर रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल सबसे ज़्यादा एक्सप्रेस किया जाए, जितने उसके ज़्यादा यंग वंस पैदा हों और जितनी उसकी पॉपुलेशन बढ़े। लेकिन ये तो एक क्राइटेरिया है। अल्ट्रुइज्म क्या कहता है कि बेसिकली एक ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो अपनी ही जनरेशन पैदा करे, बल्कि जो दूसरे पॉपुलेशन के मेम्बर्स हैं जो उसी जैसे ही जीन्स उनमें भी मौजूद हैं, अगर उनको भी सर्वाइवल का मौका देने के लिए, उनको भी सक्सीड करने के लिए हेल्प आउट कर देता है, तो ये भी एक कामयाब आपके पास एक इंडिविजुअल की एग्जांपल हो सकती है। इन टर्म्स ऑफ रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल और आउटपुट, एन इंडिविजुअल मे थ्योरेटिकली पास मोर जीन्स टू द नेक्स्ट जनरेशन बाय एडिंग द सर्वाइवल ऑफ रिलेटिव्स देन इट वुड रीएडिंग इट्स ओन यंग। तो इसमें अल्ट्रुइज्म बेसिकली यही है कि बजाय इसके कि अपने जीन्स, जाती जीन्स जो हैं वो अपनी अगली जनरेशन को पास ऑन करने के बजाय, अगर आप अपने रिलेटिव्स की मदद कर दें उनके बच्चों को पालने में, उनके जो यंग वंस हैं उनको डिफेंड करने में या उनके साथ हेल्प आउट करने में, तो ये ज़्यादा बेहतर तरीका है कि एक जनरेशन जो है वो कामयाब हो जाएगी या पॉपुलेशन को सर्वाइवल का अच्छा मौका मिल जाएगा। तो ये सिंपल से एक कॉन्सेप्ट था। इसमें आगे एग्जांपल हम देख सकते हैं हनी बीज की भी, कि हनी बीज में मुख्तलिफ कैटेगरीज पाई जाती हैं, जैसे एक फीमेल क्वीन होती है जो कि लीड कर रही है और क्वीन का काम है एग ले करना, और उसके बाद मुख्तलिफ कैटेगरीज होती हैं जिसमें एक मेल ड्रोन्स होते हैं। मेल ड्रोन्स का काम यह है कि वो हैप्लॉयड हैं बेसिकली और वो खुराक को तलाश करके लाते हैं। फिर फीमेल वर्कर्स होती हैं जो कि डिप्लॉयड हैं और वो उसी छत्ते में रहकर मुख्तलिफ जो उसके यंग वंस पैदा हो रहे हैं उनकी देखभाल करना और उनको फीडिंग करना इनका काम होता है। तो इसमें से बेसिकली जो वर्कर्स हैं फीमेल वाली वो रियरिंग करती हैं यंग वंस की और अपनी सेक्रीफाइसेस देती हैं दूसरों को रियर अप करने में या उनको ब्रॉट अप करने में। तो इस तरह से अल्ट्रुइज्म की ये एक बेस्ट